हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो अगेन बहुत ही इंटरेस्टिंग एक चीज़ मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी जो वाकई में कारागार है और इसे बॉलीवुड में काफ़ी प्रेफरेंस दी जाती है आपके स्टोमेक को फ्लैट रखने के लिए। ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर किया है, लेकिन आज ये नेक्स्ट रेसिपी है और इसके बारे में काफ़ी बॉलीवुड हीरोइंस ने बात भी की है और कि किस तरह से नाभि पे सिर्फ वो चीज़ को यूज़ करने के बाद आपका टम्मी एरिया किस तरह से अंदर जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा फैट नाभि के आसपास की जगह पे उतना पेट निकला होता है और उस एरिया को किस तरह से हमें टक करना है, यानी अंदर करना है और बिल्कुल सपाट करना है। हीरोइंस को आपने पेट देखे होंगे, इतने ज़्यादा सपाट होते हैं कि अगर आपने इस चीज़ को कर लिया तो आपका पेट भी मात्र ही कुछ दिनों में सपाट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या है वो, कैसी चीज़ है, चलिए वीडियो में आगे दिखाते हैं। पैन लेना है और इस एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको जो प्योर मस्टर्ड ऑयल मिल जाए। मार्केट में इजली अवेलेबल होता है मस्टर्ड ऑयल, अगर आपको प्योर मिल जाए तो बहुत अच्छा है। तो आप सरसों का तेल इसमें डालिए। मैं 1 से 1.5 महीने के लिए बना के रख लेती हूँ तो मुझे काफ़ी इजी रहता है। तो इसमें आपको मान के चलिए 1 कप के लगभग सरसों का तेल चाहिए। तो सरसों का तेल डालूंगी, इसे आपको गरम करना है। देन उसके बाद मैं यहाँ पे पैराशूट किया, किसी भी कंपनी का आपको नारियल तेल लेना है। बोल चलिए 5 से 6 टेबल स्पून आपको वो लेना है। मैं अंदाजे से डाल रही हूँ और मैं अंदाजा आपको इसलिए नहीं बता रही क्योंकि मैं बनाती रहती हूँ तो मुझे आइडिया रहता है कि इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके बाद हमें इसमें डालना है दालचीनी, यानी कि यू नो जो दालचीनी स्टिक वाला आता है, ये वाला आपको यही वाला डालना है। पाउडर मत डालिएगा क्योंकि ये ऑयल बेस होता है तो ये ज़्यादा इफेक्ट करेगा। तो आपको ये डालना है इसमें 4 से 5 स्टिक। इसके बाद आपको इसे पकने देना है ऐसे ही। जब ये पकने लगे देन उसके बाद आपको 1 टेबल स्पून इसमें अजवाइन डालनी है। और मैंने सरसों के तेल के साथ जो मैंने इससे पहले आपको मिलिंग ऑयल बताया था वो मैंने इस बोला भी था कि वो विंटर में इजी होके लगा सकते हैं लेकिन समर्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी। तो ये सरसों का नारियल का तेल इसीलिए डाला है क्योंकि उतना ज़्यादा हीट नहीं करेगा आपकी बॉडी में और जो नारियल तेल है वो उसकी तासीर को बिल्कुल क्या बोलते हैं कि बराबर रखेगा, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। तो इसीलिए 2 ऑयल का मैंने यूज़ किया। इससे पहले मैंने प्योर सरसों के तेल में बनाया था, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। ये सारी चीज़ें डाल के इसके बाद आपको इसमें कैम्पर यानी कपूर डालना है। सारी चीज़ों को आपको अच्छे से पका लेना है। पकाना क्या है, इट मीन्स ये पक ही गया है समझ लीजिए, क्योंकि जो है हमारा अजवाइन भी हो गई है और हमारा दालचीनी भी हो गया है और कपूर भी इसी में अभी मेल्ट हो जाएगा। देन उसके बाद आपको इसे बंद कर देना है और ढक के रख देना है जब तक ये ठंडा ना हो जाए। इसके बाद मैं बताती हूँ कि आपको नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है इसको लगाना, क्योंकि प्लेन तो नहीं लगाना है, इसको लगाने के बाद क्या करना है। साथ ही साथ एक चीज़ मैं और बताऊँगी कि आफ्टर डिलीवरी आप इस ऑयल को यूज़ करिए, सच में बहुत इफेक्टिव है। और जो मैंने जादू की पोटली बताई थी वो भी इसके साथ यूज़ करिए। तो अभी मैं गैस को करती हूँ ऑफ और इसको ढक के रख दूंगी, इसको ऐसे ही ढक के मैं रख दूंगी और जब ये ठंडा हो जाएगा देन मैं आप लोग को बताऊंगी कि क्या करना है आपको। तो यहाँ पर ये अभी पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ है लेकिन मुझे वीडियो बनाना था तो मैं साथ मैं दिखाती हूँ। तो मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल ले रही हूँ, आप इसे स्ट्रेन कर लीजिएगा और मान के चलिए इसे ठंडा होने में आपको भी 1 से 1.5 घंटा लगेगा क्योंकि गर्मियाँ हैं। तो स्ट्रेन करके आप इसे बॉटल में भर सकते हैं, फ्रिज में रखने की कोई ज़रूरत नहीं, इजी होके बाहर रख सकते हैं और छान के रखिएगा। मैं अभी इसे ऐसे ही ले रही हूँ, मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस दिखाती हूँ कि मैं क्या करूँगी। नेक्स्ट प्रोसेस में आपको इस तरह की जो पॉलीथीन रैप आती है आप ये ले लीजिए या फिर कॉटन का कोई भी कपड़ा ले लीजिए। मैं हमेशा 2 ऑप्शन आपको देती हूँ जो अफोर्ड कर सकते हैं और जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। आप अपने लोअर का जो स्ट्रेचबल कपड़ा आता है वो ले लीजिए या फिर ये ले लीजिए, मेरे पास ये अवेलेबल था तो मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके बाद आपको क्या करना है, इस ऑयल को लेना है
और आप अपने पेट के एरिया पे, आर्म्स के एरिया पे, थाइस के एरिया पे, जहां भी आपको लगता है कि आपके फैट है, ये आपको लगाना है। 2 से 3 मिनट तक आपको मसाज करनी है ताकि जो भी एज अ सेलुलाइट जो भी वहां पे जमा है ये उसे अच्छे से रब करेंगे। और सेलुलाइट इसलिए जमता है क्योंकि जहां पे ब्लड सर्कुलेशन हमारा नहीं होता, जहां पे ब्लड नहीं बहुत अच्छे से दौरान होता है, वहां पे सेलुलाइट जम जाता है और आपको फैट दिखाई देने लगता है। तो इस तरह से आपको रब करना है ताकि जो भी ऑयल है वो अंदर जाए, वहां पे गर्माहट आए और जो ब्लड सर्कुलेशन है वो चलना स्टार्ट हो। मैं अभी रब नहीं कर रही हूँ, उसके बाद जब भी लगाइए रब करिए। मैं पेट के एरिया के लिए से यूज करती हूँ। आपको ये इसी तरह आपको कपड़े के साथ भी करना है और इस तरह से खूब टाइटली, मतलब कि ये ध्यान रखिएगा कि चाहे कपड़ा आप ले और चाहे जो भी, खूब टाइटली आपको इस तरह से इसे रैप करना है। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपको इसे पूरी तरह ऐसे ही रैप करके छोड़ना है। इससे क्या होगा, जो ऑयल है वो इधर उधर नहीं जाएगा और जो ऑयल है वही पे एब्सॉर्ब होके पूरा अंदर चला जाएगा। और ऐसा आपको 15 दिन करना है। उसके बाद आप देखिएगा वहां का जो सेलुलाइट है वो चला गया, ब्लड सर्कुलेशन तेज हो गया है, स्किन टाइट हो गई है और फैट भी कम हुआ है। सिर्फ इस चीज़ को करके, अपनी पेट को गर्माहट देके, अपनी नाभि के आसपास के गर्माहट देके, आप उस जगह के फैट को गला सकते हैं। आपने देखा होगा लोग बोलते हैं ये बेल्ट लगा लो, वो बेल्ट लगा लो, हीट के लिए ये वो। आज ये एक ऐसी चीज़ है जो अगर आप वैसे बोले तो काफ़ी कॉस्टली है, लेकिन सिर्फ आप इसे घर में इस तरह से यूज़ करके अपने नाभि के आसपास की चर्बी को चुटकियों में गायब कर सकते हैं। वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पसंद है तो फटाफट से सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।